नमस्ते बच्चों, तो हमने पिछली बार पढ़ा था पिन डायग्राम में हमने कंट्रोल सिग्नल्स पढ़ लिए थे। अब आगे के पिन्स के बारे में पढ़ते हैं जो ग्रुपिंग के अंदर है। तो हमारा नेक्स्ट जो है नॉर्मली हमारा स्टेटस सिग्नल्स है। अब स्टेटस सिग्नल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। नॉर्मली स्टेटस सिग्नल जो आते हैं वो हमारे वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर में आते हैं। स्टेटस सिग्नल हमारे किसके अंदर आते हैं? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर 29 नंबर की पिन है जो एस नॉट है, 30 नंबर की पिन है जो ALE है, और 33 नंबर की जो पिन है वो S1 है, और IO/M bar हमारी 34 नंबर की पिन है। ये हमारी चार पिनें नॉर्मली हमारी स्टेटस सिग्नल्स के अंदर में आती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टेटस सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं और इन पिन्स का क्या काम है। नॉर्मली हमारा जो स्टेटस सिग्नल होता है वो इंडिकेट करता है सब ऑपरेशंस को। देखो, कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है वो नॉर्मली, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा नॉर्मली मशीन साइकिल से मिलके बना होता है। अब मशीन साइकिल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन है आपका, सपोज करिए एक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब एक इंस्ट्रक्शन के मैंने आपको बताए थे पार्ट कौन कौन से पार्ट होते हैं। नंबर वन पार्ट जो होता है वो हमारा होता है ऑपकोड, ठीक है, और नंबर टू जो पार्ट होता है वो हमारा होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड जो होता है हमारा वो ऑप्शनल है, नॉर्मली डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और हमारा जो ऑपकोड है वो नेसेसरी है, मतलब हमारा ऑपकोड तो ज़रूर होगा जो प्रोसेसर को बताएगा क्या करना है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी और मैंडेटरी। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब बात ये आती है जब ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास जाता है, ठीक है, और उस प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, तो उस दौरान कुछ सब ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं, सब ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं, राइट। जैसे सब ऑपरेशन कौन कौन से हो गए हमारे? नंबर वन, जैसे ऑपकोड फैच, ठीक है, ऑपकोड फैच हो गया। दूसरा ऑपरेंड रीड, ऑपरेंड रीड। तीसरा, सपोज करो आपका जो डेटा है वो किसी मेमोरी से रीड हो रहा है, मेमोरी से रीड हो रहा है तो मेमोरी रीड भी होगा। मान लो आपका डेटा इनपुट डिवाइस से रीड हो रहा है तो इनपुट रीड भी हो सकता है। मान लो आपका डेटा राइट हो रहा है तो मेमोरी राइट भी हो रहा है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, मान लो आपका डेटा आउटपुट राइट हो रहा है, ठीक है, तो आउटपुट राइट होगा। ठीक है, मान लो आपने प्रोग्राम को रोक दिया तो होल्ट नाम का भी ऑपरेशन हो सकता है। मान लो कोई इंटरप्ट आ गया तो इंटरप्ट को जवाब दोगे आप, इंटरप्ट एक्नॉलेज। ठीक है, तो ये सब ऑपरेशंस हमारे होते हैं नॉर्मली। तो ऑपकोड फैच और ऑपरेंड रीड ये तो हमारा होना ही है क्योंकि इंस्ट्रक्शन रीड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना है, सपोज कर लो किसी मेमोरी से डेटा को रीड करना है, या किसी इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड करना है, या किसी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मेमोरी में राइट करना है, या किसी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को वो आउटपुट डिवाइस पर राइट करना है, या प्रोग्राम को होल्ड कर देना है, इस तरीके के सब ऑपरेशंस होते हैं, तब जाके हमारा एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट माना जाता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब मेन बात है, जब ये सब ऑपरेशंस हो रहे होते हैं तो ये इंडिकेट कैसे होंगे? तो ये इंडिकेट होते हैं स्टेटस पिन से। दीज सब ऑपरेशंस, ठीक है, आर इंडिकेटेड बाय व्हाट? इंडिकेटेड बाय व्हाट? नॉर्मली स्टेटस पिन्स। बात समझ आ गई या नहीं आई? पहली चीज, ठीक है। इसके बाद हम वापस आते हैं भाई कि हमारे नॉर्मली स्टेटस जो पिन्स हैं वो नॉर्मली हमारी, मैंने अभी अभी बताई आपको चार पिन थी, जिनमें से एक तो हमें ये बताती है कि जो सब ऑपरेशन हो रहा है उसका स्टेटस, राइट, जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और फैच हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो भी सब ऑपरेशन हो रहा है वो रिलेटेड किससे है। ठीक है, तो मतलब इट डिफाइंस, क्या डिफाइन करेगी? नंबर वन स्टेटस ऑफ सब ऑपरेशन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फैच टू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन के फैच होने से लेके
एग्जीक्यूट होने तक जो सब ऑपरेशन हुआ है उनका स्टेटस बताएगी। दूसरा द सब ऑपरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, पहला मेमोरी से रिलेटेड है वो सब ऑपरेशन या इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है वो सब ऑपरेशन। बात समझ आ गई या नहीं आई? ये चीज आपकी कौन बताएगी? ये चीज आपका स्टेटस पिंस बताएंगे। बात समझ आ गई या नहीं आई? जैसे अभी हम जब एक एग्जांपल लेके चलेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जब भी कोई हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो हमने बताया एक इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ऑपकोड, जिसे कि नेसेसरी पार्ट कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है ऑपरेंड, जो कि ऑप्शनल होता है, डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर। जब ये इंस्ट्रक्शन फेच होता है और एग्जीक्यूट होने की तरफ अग्रसर होता है तो कुछ काम होंगे, उन कामों को कहते हैं मशीन साइकिल्स। नॉर्मली जैसे ऑपकोड फेच हो गया, फिर हमारा ऑपरेंड रीड हो गया, ठीक है? ये तो हो गए हमारे इंस्ट्रक्शन की फेचिंग, मतलब इंस्ट्रक्शन को रीड कर लिया प्रोसेसर ने। और जब इंस्ट्रक्शन को जब उसने रीड कर लिया तो आफ्टर एग्जीक्यूशन वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन में वो क्या कर रहा है, मेमोरी को रीड कर रहा है या इनपुट को रीड कर रहा है या मेमोरी में राइट कर रहा है या आउटपुट में राइट कर रहा है, ये जो है ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन है, ठीक है? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये तो था। ये जो ऑपरेशन है नॉर्मली कौन से वाले, ये वाले जो ऑपरेशंस हैं ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन होते हैं, ठीक है? सब ऑपरेशंस हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये होते हैं हमारे ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन रीड और फैच, जब इंस्ट्रक्शन फैच होता है या रीड होता है, क्लियर है? तो ऑपकोड फैच और ऑपरेंड रीड, ये तो हमारे इंस्ट्रक्शन हो गए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन रीड और फैच के दौरान। और ये वाले जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे नॉर्मली, जैसे मेमोरी रीड हो रहा है, इनपुट रीड हो रहा है, मेमोरी राइट हो रहा है, आउटपुट राइट हो रहा है, हॉल्ट आ गया या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इंटरप्ट आ गया तो इंटरप्ट का जवाब देने के लिए, तो ये जो सब ऑपरेशंस होते हैं ये हमारे आफ्टर एग्जीक्यूशन या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन होते हैं। बात समझ में आ गया नहीं आया? क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये चीज़, और दूसरी चीज़ कि स्टेटस पिन आल्सो डिफाइन दैट सब ऑपरेशंस जो हमारे हो रहे हैं रिलेटेड टू व्हाट, किससे रिलेटेड है। मैंने अभी बताया कि मेमोरी से रिलेटेड है या इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है, यही अभी चीज मैंने आपको बताई, ठीक है? राइट, ये मैंने आपको बताई है। अब आगे चलते हैं हम ये कि हमारा जो स्टेटस पिन है उसमें नंबर वन आती है ALE। हमारी जो स्टेटस पिन है उसमें नंबर वन क्या आती है? ALE, एड्रेस लैच इनेबल, जो कि हमारी डी मल्टीप्लेक्स करने में आती है AD7 से AD0। इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारी जो पिन है वो क्या है, हमारी ALE क्या कर रही है, यूज टू डी मल्टीप्लेक्स, ठीक है, द AD7 टू AD0 मल्टीप्लेक्स बस। जो मल्टीप्लेक्स बस है उसको डी मल्टीप्लेक्स करने के काम कौन आती है, हमारी ALE पिन आती है, पहली चीज। या हम इसे स्टेटस सिग्नल कह रहे हैं तो मैंने आपको बताया था, वी नो दैट, ठीक है, व्हेन इंस्ट्रक्शन रीड, जब एक इंस्ट्रक्शन रीड होता है तो स्टेप्स कौन कौन सी लगती है, फर्स्ट एड्रेस रीड होता है, एड्रेस रीड, देन ऑपकोड और ऑपरेंड रीड। बात समझ में आ गई नहीं आई? ये बात होता है, मतलब फर्स्ट एड्रेस लोडेड ऑन एड्रेस बस, देन ऑपकोड और ऑपरेंड लोडेड ऑन डेटा बस। बात समझ आ गई? सबसे पहले एड्रेस लोडेड होगा एड्रेस बस पे कि कहाँ से आप उठा रहे हो उसको, ऑपकोड को या ऑपरेंड को, दूसरा फिर ऑपकोड या ऑपरेंड लोड होगा डेटा बस पे, ठीक है? एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि दैट लोअर ऑर्डर एड्रेस, ठीक है, एंड डेटा बस आर मल्टीप्लेक्स,
आर मल्टीप्लेक्स्ड इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है मल्टीप्लेक्स्ड, AD0 to AD7। ठीक है, पिन नंबर जो 12 से गुल्ले के 19 की जो पिन है हमारी, वो हमारी मल्टीप्लेक्स है। अब बात यह आती है, इस AD0 to AD7 पे एक बार लोअर ऑर्डर एड्रेस आएगा और फिर डेटा आएगा, मतलब ऑप कोड या ऑपरेंड या डेटा आएगा, मतलब एक बार डेटा बस का डेटा, वो एड्रेस बस का एड्रेस आएगा और फिर उसी पिन पे डेटा बस का कंटेंट आएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमको कैसे पता लगेगा या माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता लगेगा कि दैट कि जो आने वाली चीज है, कि दैट हाउ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, हाउ द माइक्रो प्रोसेसर नो अबाउट दैट द कंटेंट, हाउ द माइक्रो प्रोसेसर विल गेट टू नो दैट द कंटेंट ऑन पिन 12 to 19 इज रिलेटेड टू एड्रेस बस और डेटा बस, ये कैसे पता लगेगा। तो इट विल डिसाइडेड बाय ALE पिन, ये ALE बताएगा। इफ ALE इक्वल टू 1 देन लोअर ऑर्डर एड्रेस रिसीव्ड, ठीक है, तब डाटा बस रिसीव नहीं होगा। एंड इफ ALE इक्वल टू 0 देन डेटा बस कंटेंट विल रिसीव्ड, ठीक है, डेटा बस कंटेंट विल रिसीव्ड। बात समझ में आ गई है नहीं आई, अभी वो हम सब डायग्राम में देखेंगे। बात समझ में आ गई है नहीं आई, ठीक है, देखते हैं हम इसी डायग्राम में, हम देखते हैं पहले। यहाँ पे देखिए आप, मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, ढंग से देखिएगा आप। मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा MVI, ठीक है, A, 24H, ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया, ये तो लिख दिया। अब मैंने इसको जैसे असेंबल करा तो हेक्साडेसिमल कोड की फॉर्म में ये मेमोरी में स्टोर हो गया, और मेमोरी एड्रेस क्या है मैंने दे रखे हैं 2003 और 2004, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जब इसको हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट करा तो दो ऑपरेशन आ गए, एक आ गया 3 और एक हो गया 24। 3 हमारा ऑप कोड है, 24 हमारा ऑपरेंड है। अब इसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं हम, ये मेरा टाइमिंग डायग्राम है, ठीक है। अब इसको ढंग से देखिएगा टाइमिंग डायग्राम को, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने अभी अभी आपको बताया कि दैट जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमारा इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा होगा, फेच कर रहा होगा, तो सबसे पहले ऑप कोड फेच होगा, फिर ऑपरेंड फेच होगा, ठीक है, ऑपरेंड रीड होगा। तो ऑप कोड फेच में भी मैंने आपको बताया, एट ए टाइम सबसे पहले एड्रेस रीड होता है, फिर डेटा रीड होता है। तो हम जानते हैं कि दोनों बसें एक साथ यूज नहीं हो रही है, तो हमने क्या करा, लोअर ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस को मिला दिया था, मल्टीप्लेक्स कर दिया था, और उन पिन का नाम बोल दिया गया था हमने AD0 to AD7। उस पिन का नाम हमने क्या बोल दिया था बच्चों, AD0 to AD7, उस पिन का नाम हमने बोल दिया था। तो सबसे पहले एड्रेस रीड होगा, तो देखिए 20 हायर ऑर्डर एड्रेस पर रीड हो गया, अब लोअर ऑर्डर एड्रेस पे 03 हुआ है, क्योंकि एड्रेस जो है वो 2003 है, जबकि AD0 to AD7 पिन ही है ये। इस दौरान ALE हाई है, ALE हाई आपको ये बता रहा है कि दैट इस दौरान जो AD0 to AD7 पे आया है वो लोअर ऑर्डर एड्रेस का कंटेंट है, ठीक है, डेटा बस से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर जब ऑप कोड की बात आ जाती है तो ऑप कोड किस पे लोड होता है, डेटा बस पे। ऑप कोड किस पे लोड होता है, डेटा बस पे, क्योंकि वो डेटा है, यूपी के लिए वो डेटा है। तो जब ऑप कोड रीड हो रहा होता है AD0 to AD7 पे, जिस टाइम RD bar भी जीरो होता है, ALE हमारा लो हो जाता है। तो इस ALE से हमें पता लग रहा है कि दैट जो AD0 to AD7 पे आया है वो लोअर ऑर्डर एड्रेस है या ऑप कोड है। बात समझ में आ गई है नहीं आई, तो ये था हमारा ALE सिग्नल के बारे में। बात समझ में आ गई है नहीं आई, आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारी S0 और S1 के बारे में। S0 और S1 हमारा स्टेटस बताता है डेटा का, डेटा बस से, डेटा बस पे जो डेटा है उसका स्टेटस बताता है S0 और S1, मतलब जो हमारा सब ऑपरेशन हो रहा है वो बताता है। तो डेटा बस पे जो कंटेंट है
वो हमारे कौन से सब ऑपरेशन का पार्ट है, ये कौन बताएगा हमारा, S0 और S1। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं आई, तो देखते हैं हम आगे। नॉर्मली S0 S1 को हम कहते हैं स्टेटस सिग्नल, जो ये डिस्टिंग्विश करता है कि जो वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, सब ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके बारे में बताता है। मतलब हमारा डेटा बस पे जो कंटेंट है वो किसी सब ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखेंगे हम, दैट कंटेंट ऑन डेटा बस रिप्रेजेंट और रिलेटेड टू सब ऑपरेशन, जो हम कहते हैं मशीन साइकिल। ठीक है, राइट, और कौन कौन से सब ऑपरेशन हमने बताए थे, विच इज डिफाइंड अबोव, जो हमने मेंशन करे हैं। ठीक है, देन स्टेटस सिग्नल, कौन कौन से, S0 एंड S1 विल डिफाइन दीज सब ऑपरेशंस। ठीक है, सब ऑपरेशंस को डिफाइन करेंगे कौन से सिग्नल, स्टेटस सिग्नल S0 एंड S1। वेरी गुड, ठीक है, चलते हैं, कौन कौन से सब ऑपरेशंस है वो हम देख लेते हैं। देखिए, सब ऑपरेशंस हमारे, अभी हम केवल इसी पे कंसेंट्रेट कर रहे हैं जो मैं आपको सिलेक्ट करके दे रहा हूँ। सब ऑपरेशंस जो हमारे हैं वो नॉर्मली हमारे ये हैं। ठीक है, ये रहा, ठीक, इसको मैं एक बार यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये दीजिए। तो मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कर दिया, और ये हमने इसका साइज भी बड़ा कर लेते हैं हम, जिससे कि आपको और अच्छा दिख जाए। ठीक है, ये देखिए, और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया जिससे और अच्छा दिख जाए आपको, राइट। अब S0 और S1 ये हमारे डेटा बस का स्टेटस बता रहे हैं, मतलब डेटा बस पे जो कंटेंट है वो किस सब ऑपरेशन का पार्ट है, वो हमारा S0 और S1 बता रहे हैं। तो ये प्री डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि यूजर ने डिसाइड करें, ये पहले से ही मैन्युफैक्चरर जो कंपनी होती है वो पहले से ही, जिसने 8085 को बनाया था आर्किटेक्चर को, उसने पहले से डिफाइन कर दिया था कि S0 और S1 अगर 11 है तो वो जो सब ऑपरेशन है वो ऑपकोड फैच हो रहा है, मतलब उस टाइम जो डेटा बस पे जो डेटा है वो हमारा ऑपकोड है। बात समझ में आ गई या नहीं आई, अगर हमारा S0 और S1 10 है, जहाँ पे S1 1 है और S0 हमारा 0 है, तो हमारा डेटा बस पे जो कंटेंट है वो एक मेमोरी का डेटा है जो रीड हो रहा है, मतलब यूजर का डेटा है। ठीक, अगर हमारा S1 0 है और S0 1 है, तो इस दौरान हमारा कोई रजिस्टर जो कि एक्यूमुलेटर है उसका डेटा राइट हो रहा है किसी मेमोरी एड्रेस पे, मतलब मेमोरी पे राइट हो रहा है डेटा। ठीक है, अगर हमारा S1 1 है और हमारा S0 0 है, तो इस दौरान जो रीड हो रहा है वो इनपुट डिवाइस रीड हो रही है, मतलब हमारा जो डेटा है डेटा बस पे वो किसी इनपुट डिवाइस से आ रहा है और प्रोसेसर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा, अब S1 जो है हमारा, अगर 0 है और S0 हमारा 1 है, तो मतलब किसी एक्यूमुलेटर का डेटा किसी आउटपुट डिवाइस पे राइट हो रहा है, मतलब डेटा बस प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस की तरफ जा रही है और डेटा लेके जा रही है डेटा बस, तो उस दौरान जो ऑपरेशन है वो हमारा सब ऑपरेशन जो है वो हमारा इनपुट आउटपुट राइट है। पर अगर मान लो आप मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोई इंटरप्ट आ जाता है और आप उस इंटरप्ट का जवाब दे देते हो, तो 11 मतलब प्रोसेसर उसका जवाब दे देता है, या प्रोग्रामर अपने उस इंटरप्ट को रिसीव कर लेता है, चाहे जबरदस्ती करे चाहे मजबूरी में करे, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, इंटरप्ट एक्नॉलेज। ठीक है, वो सब ऑपरेशन है। और मान लो अगर आप मेन प्रोग्राम को रोकना चाहते हो, तो S1 और S0 की वैल्यू अगर 0-0 हो जाती है तो हॉल्ट हो गया, मतलब कोई आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, प्रोग्राम वहीं पे ही स्टॉप हो चुका है। बात समझ आ गई, तो ये सब ऑपरेशन है जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हुए हैं। बात समझ आ गई या नहीं आई, ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फेच हुए हैं। बात समझ आ गई या नहीं आई बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा हम इसको इंस्ट्रक्शन की सहायता से देखते हैं। ठीक है, वापस मैंने MVI A24H लिखा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, MVI A24H, और मैंने इसको असेंबल कर दिया, तो हेक्साडेसिमल नंबर के फॉर्म में ये एड्रेस पे स्टोर हो गया। ठीक है, अब हमने इसको रीड कर रहे हैं और फिर हम इसको देखेंगे कि A के अंदर 24 आता है ना,
नहीं आता है। तो ढंग से देखिएगा आप, जो 3E है ये हमारा ऑप कोड है और 24 हमारा ऑपरेंड है, दोनों के दोनों मेमोरी में सेव है, दोनों के दोनों किस में सेव है, मेमोरी में सेव है। ठीक है, अब हमने जैसे ही टाइमिंग डायग्राम देखा, तो हमने टाइमिंग डायग्राम अभी अभी मैंने बताया था आपको, ये रहा टाइमिंग डायग्राम जो मेरा ये था। ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ, एक बार मैं दोबारा इस टाइमिंग डायग्राम को ले लेता हूँ, और ये मैंने टाइमिंग डायग्राम ले लिया और ये ठीक है। अब मैं इसको आगे समझा रहा हूँ, रुक जाइए एक मिनट, मैं इसको आगे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया और मैंने इसको पेंट में लेके आपको समझाना है। तो मैंने क्या बताया था, MVI A, देखिए ढंग से देखिएगा मेरा, देखिए 2003 पे मेरा क्या था, 2003 पे मेरा 3E था, वेरी गुड। ठीक है, 3E था, और 2004 पे मेरा क्या था बच्चे, 23 था, राइट 24 था, सॉरी ऑपरेंड है ये, पहला वाला जो है वो हमारा ऑप कोड है, क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहला पार्ट ऑप कोड ही होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का, और दूसरा वाला पार्ट मेरा क्या है, ऑपरेंड है, क्योंकि स्पेसिफाई है। ठीक है, अब बात ये आती है कि 2003 सबसे पहले एड्रेस रीड हुआ, ध्यान रखना जब एड्रेस रीड हो रहा होगा उस दौरान नॉर्मली S0 और S1 को हम जल्दी से नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आप S0 और S1 को नॉर्मली हम देखेंगे, डेटाबेस का स्टेटस बताता है, वैसे फिर भी हम आपको बता देते हैं, जब आपका ऑपकोड फेच हो रहा है तब मैंने आपको बताया था S0 और S1 की वैल्यू 11 होती है, बताई थी या नहीं बताई थी, S0 और S1 की वैल्यू 11 रहती है, बाय डिफॉल्ट 11 रहेगी, बाय डिफॉल्ट S0 और S1 की वैल्यू 11 रहेगी जब एड्रेस भी रीड हो रहा होगा। ठीक है, पर जब ऑपकोड फेच हो रहा था, मैं दोबारा देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, पेंसिल ले लेता हूँ, मैं पेंसिल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए इस दौरान ऑपकोड फेच हो रहा है तो S0 की वैल्यू और S01 की वैल्यू 11 है। ठीक है, बात समझ आ गई है, नहीं आई, बाय डिफॉल्ट हो गया ये, एड्रेस रीड हो रहा होगा तब भी S0 की वैल्यू और S1 की वैल्यू 11 है। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर भी एड्रेस रीड हो रहा है या नहीं हो रहा है इस दौरान, तो S0 और S1 की वैल्यू 11 है, पर जैसे ही ऑपकोड रीड करने की बात आई, देखिए आप ऑपकोड रीड करने की बात आई, तो ऑपकोड कहाँ से रीड हो रहा है, फेच हो रहा है, ऑपकोड क्या हुआ है बेटा, फेच हुआ है, ऑपकोड फेच के दौरान मैंने आपको बताया था कि 11 होता है, पर जब ऑपरेंड की बात आई, 24 की बात आई, तो ऑपरेंड कहाँ स्टोर्ड है, ऑपरेंड हमारा स्टोर है मेमोरी में, तो मतलब मेमोरी रीड हो रही है। देखो ऑपकोड जब रीड हुआ था तो ऑपकोड फेच बोल दिया था, और ऑपकोड फेच के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया नॉर्मली 11 होता है ऑपकोड फेच के लिए, तो S0 और S1 11 थे, पर जब बात आई हमारी किसकी बच्चे, जब हमारी बात आई ऑपरेंड की रीड होने की, तो ऑपरेंड ऑपरकोड नहीं है, ऑपरेंड एक डेटा है। ठीक है, जिसको मेमोरी से रीड करा जाता है, मतलब हमारी जो साइकिल हो रही है वो मेमोरी रीड साइकिल हो रही है, हमारी कौन सी साइकिल हो रही है बच्चों उस दौरान, मेमोरी रीड साइकिल हो रही है, और मेमोरी रीड के दौरान S0 0 हो जाता है, S1 ही रहता है। तो हम डायग्राम में देखते हैं, देखिए आप S0 हमारा 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से इसका एड्रेस रीड होना चालू हुआ, हमारा जो है नॉर्मली S0 0 हो गया और S1 ही रह गया, मतलब जब ऑपरेंड रीड होने की बारी आई तो जैसे ही एड्रेस रखा गया उसी दौरान ये बता दिया गया कि भैया यहाँ से आपका ऑपरेंड रीड का काम चालू हो गया है, मतलब पहले एड्रेस रीड हो रहा है और फिर ऑपरेंड रीड होगा। तो मतलब ये जो टास्क है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर कर देता हूँ, यहाँ से ये वाला जो टास्क यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जहाँ पे वापस ALE हाई हुआ था, इसी टास्क से हमको ये पता लग गया कि यहाँ से ऑपरेंड रीड हो रहा है, यहाँ से ऑपरेंड क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। अब ऑपरेंड रीड में ऑपरेंड रीड ऑपरेशन होगा, ठीक है, ऑपरेंड रीड ऑपरेशन होगा जिसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, एड्रेस रीड होगा, ठीक है, और फिर ऑपरेंड रीड होगा, और इस दौरान, ठीक है, दोनों के दौरान, इस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, इस दौरान आपको नॉर्मली काला कर देता हूँ मैं इसको,
इस दौरान आपका एस नॉट तो हमारा वन हो जाए, वो जीरो हो जाएगा और एस वन हमारा वन हो जाएगा। बात समझ आ गई है नहीं आई? थोड़ा सा एक ऑपरेशन और देखते हैं, एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल लूँगा, ढंग से देखिएगा आप। एम वी ए 24H है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने लिख दिया आउट 45H, ढंग से देखिएगा आउट 45H, इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये। आउट 45H का मैंने आपको मतलब बताया था कि दैट एक आउटपुट डिवाइस नॉर्मली हमारी कनेक्टेड है किससे बच्चे, हमारी कनेक्टेड है 45H के एड्रेस पे, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन टेल्स दैट कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ये इंस्ट्रक्शन के बारे में हम आपको सेकेंड यूनिट में बताएंगे। राइट टू आउटपुट डिवाइस जो कि कहाँ लगी हुई है, 45H पे। अब बात ये आती है, जब 45H पे लगी हुई है ये डिवाइस, तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि एक आउटपुट डिवाइस है जो 45H एड्रेस पे लगी हुई है, और उस इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है उसको राइट कर दो आउटपुट डिवाइस पे, मतलब 45H के एड्रेस पे राइट कर दो, ठीक है। पर मैंने आपको अभी अभी बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए आपने अगर किसी इंस्ट्रक्शन में एड्रेस भी डिफाइन कराया तो वो ऑपरेंड माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस टाइमिंग डायग्राम को देखते हैं। देखिए जब ये इंस्ट्रक्शन रीड हो रहा था, मैं दोबारा देखता हूँ अभी इसको, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, ये देखिए, ठीक है। और मैं इसको डिफाइन करता हूँ, अब ढंग से देखिएगा आप। अब यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे कंट्रोल ए करके मैंने पूरा डिलीट कर दिया, और ये भी मैंने पूरा डिलीट कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल बी कर दिया। अब बात आती है, ये मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन के रीड होने से लेकर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन तक का काम स्टेटस सिग्नल द्वारा बताया जाएगा। देखिए हमने केवल बात करी थी, मैंने अभी अभी आपको बताया इस इंस्ट्रक्शन में कि 2005 पे आउट 45 आया, मतलब पहले 2005 रीड होगा, 2005 पे क्या है D3 और 2006 पे क्या है 45, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ लिख देता हूँ मैं ये बात मैं आपको कहाँ लिख के दूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या है 2005 पे क्या है DB, क्या है ये ऑप कोड, ठीक। और 2006 पे हमारा क्या है बच्चे, 2006 पे हमारा जो है नॉर्मली ऑपरेंड, ठीक। और ये हमारा नॉर्मली पोर्ट एड्रेस है, नॉर्मली क्या है ये बच्चे पोर्ट एड्रेस जो अपन ने डिफाइन करा, पर हमारे लिए तो ये ऑपरेंड है, राइट है, मतलब प्रोसेसर के लिए ये ऑपरेंड है। अब बात आती है जब ये इंस्ट्रक्शन रीड होगा, सबसे पहले रीड होगा तो 2005 तो एड्रेस बस पे बैठ गया, पर मैंने जैसे ही आपको बताया था कि इस दौरान एस नॉट और एस वन की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था एस नॉट और एस वन की वैल्यू दोनों की दोनों वन हो जाएगी, देख लीजिए आप, क्योंकि इस दौरान ये चालू हो गया है, राइट। तो 2005 पहले रीड हो गया, फिर इस पे जो डाटा ऑपकोड पड़ा हुआ था वो रीड हो रहा है, तो इस दौरान देखिए RD बार तो लो हो गया क्योंकि ऑपकोड रीड हो रहा है अब, और एस नॉट और एस वन 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 ही है, मतलब ऑपकोड फेच हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे ऑपकोड फेच, ठीक, अच्छी बात है बच्चों। अब आती है 2006 जब रीड हुआ, तो मैं पार्टीशन कर देता हूँ, 2006 यहाँ से रीड हो गया था बच्चों, ठीक है, 2006 कहाँ से रीड हो गया था, यहाँ से रीड हो गया था 2006, ठीक है, यहाँ से मेरा 2006 रीड हो गया था। तो 2006 रीड हुआ तो अब क्या रीड हो रहा है, ऑपरेंड रीड हो रहा है, 2006 पे क्या होगा ऑपरेंड, तो ऑपरेंड किस में स्टोर्ड है, मेमोरी में, ऑपरेंड कहाँ स्टोर्ड है, मेमोरी में, कौन से एड्रेस पे, 2006 पे, तो मेमोरी में स्टोर्ड है तो मतलब मेमोरी रीड, और मेमोरी रीड के लिए एस नॉट की वैल्यू जीरो हो जाती है और एस नॉट की वैल्यू वन हो जाती है, चाहे देख लीजिए आप यहाँ पे हो गई है। अब बात हो गई, ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन रीड, फिर मैंने क्या कहा था कि दैट इंस्ट्रक्शन का मतलब समझो, इंस्ट्रक्शन कह रहा है एक्यूमुलेटर के डेटा को कहाँ ले जाओ बेटा, आउटपुट डिवाइस पे ले जाओ, ठीक है, एक्यूमुलेटर के डेटा को आउटपुट डिवाइस पे ले जाओ,
ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करता हूँ बच्चों, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फिर टाइमिंग डायग्राम बताऊँगा, राइट है। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, ये देखिए एग्जीक्यूट करते ही फिर मैंने टाइमिंग डायग्राम देखा, और टाइमिंग डायग्राम देखने के बाद में मैंने इसको ये करा, और फिर मैंने अल्ट प्रिंट स्क्रीन करके वापस मैंने पेंट में लिया, और ये तो हमने यहाँ तक तो कर ही लिया था बच्चों। अभी हमने ऑपरेंड, ये ऑपकोड रीड है, हालांकि ऑपकोड नहीं बोलते इसको, अपन ऑपरेंड बोलते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बच्चों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये ऑपरेंड रीड हुआ है। कौन सा हुआ है? ऑपरेंड रीड, ठीक है। ये वाला काम जो हुआ है ये कौन सा हुआ है? ऑपरेंड रीड हुआ है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मैंने आपको बताया था यहाँ से स्टार्ट हो गया था ये, यहाँ से, ठीक है। और इस दौरान मेमोरी रीड साइकिल होती है, ऑपरेंड मेमोरी में स्टोर है तो मेमोरी रीड साइकिल हो गई। अब बात आती है बात कि मैंने बताया था जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो मैंने बताया था एक्यूमुलेटर का डाटा किसी आउटपुट डिवाइस पे जा रहा है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस का एड्रेस बताया आपने, तो आउटपुट डिवाइस पे जा रहा है मतलब आउटपुट राइट, राइट। आउटपुट राइट के लिए हमने अभी अभी पढ़ा है एस नॉट की वैल्यू क्या रहेगी आउटपुट राइट के लिए? 1, और एस वन की वैल्यू 0। एस नॉट की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और एस वन की वैल्यू 0। तो देखिए जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आउटपुट राइट स्टार्ट हो गया, आउटपुट राइट यहाँ से आउटपुट राइट स्टार्ट हो गया, तो देखिए एस नॉट की वैल्यू तो 1 हो गई और एस वन की वैल्यू 0 हो गई। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है इस दौरान, ये कौन सा ऑपरेशन हुआ है बेटा? आउटपुट राइट हुआ है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ढंग से, सबसे पहले हमने देखा, हमने क्या देखा था कि 2005 पे हमारा जो था वो 3 वो डीबी था, डीबी का मतलब ऑपकोड, ठीक, ये था। फिर हमने बोला 2006 पे हमारा जो था, 2006 पे वो हमारा क्या था बच्चे? 2006 पे हमारा क्या था? डीबी के बाद में क्या था? 45H, राइट, 45H। ये हमारा ऑपरेंड था जो कि हमारा क्या था? पोर्ट एड्रेस, जो प्रोग्रामर ने बताया, ठीक है। पर मैंने आपको बताया था चाहे पोर्ट एड्रेस हो चाहे कोई सा एड्रेस हो, ये माना तो क्या जाएगा बच्चे? माना तो ये ऑपरेंड ही जाएगा जब इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं, जब किसी इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं तो ये माना ऑपरेंड ही जाता है। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट करना और रीड करना चालू करा, देखो स्टेटस पिन का काम वहीं से हो जाता है जब इंस्ट्रक्शन रीड होता है, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने तक पूरा स्टेटस पिन का मतलब रहता है। मैंने आपको बताया सबसे पहले 2005 का मतलब ऑपकोड है, और ऑपकोड फेच होगा मतलब ऑपकोड रीड हो रहा है, मतलब ऑपकोड फेच होगा। तो उस दौरान एस नॉट और एस वन दोनों क्या हो गए बेटा? 1 हो गए। फिर आपका ऑपकोड रीड हुआ तो मतलब इस दौरान जो साइकिल आई वो हमारी कौन सी आई बच्चों? ऑपकोड। पहले एड्रेस रीड हुआ तब भी एस नॉट एस वन 1 रहेंगे, ध्यान रखना एस नॉट और एस वन 1 हो जाएंगे कब से? जब से एड्रेस रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑपकोड फेच हो रहा है तब आप एस नॉट एस वन को 1 करो, बाय डिफॉल्ट हमने कहा जब से एड्रेस रीड होना चालू हो जाएगा तब से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑपकोड रीड, ठीक। इसके बाद में हमने क्या कहा, जब हमारा अगला एड्रेस आया 2006, इसमें ऑपरेंड रीड हो रहा है, तो 2006 हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ से इस दौरान मैंने आपको बताया ऑपरेंड रीड है, और ऑपरेंड कहाँ स्टोर है? मेमोरी में, तो मतलब मेमोरी रीड सब ऑपरेशन हो रहा है, मेमोरी रीड सब ऑपरेशन हो रहा है। तो उस दौरान मैंने क्या बताया था, एस नॉट की वैल्यू 0 हो जाती है, एस वन की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जैसे ही एड्रेस रीड होना चालू हुआ तब से ये काम हो गया और ये हो गया। फिर अगला, जब इंस्ट्रक्शन रीड हो गया तो अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद होगा क्या, वो चीज़ है, मतलब इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सा सब ऑपरेशन होगा। तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन का मतलब बताया था कि आउट 45H का मतलब है एक्यूमुलेटर के डाटा को 45H पे ले जाओ, तो मतलब एक्यूमुलेटर के डाटा को किसी आउटपुट डिवाइस पे ले जा रहे हो तो आउटपुट राइट। तो जब से एड्रेस रीड होना चालू हुआ तब एस नॉट की वैल्यू 1 हो गई, एस वन की वैल्यू 0 हो गई, एस नॉट की वैल्यू 1 हो गई और एस वन की वैल्यू 0 हो गई। ये चीज हमको बता रही है आउटपुट राइट ऑपरेशन हो रहा है। पर ध्यान रखना ये जो एस नॉट और एस वन का इंडिकेशन है ये आप वहीं से दिखाओगे जहां से एड्रेस बस पे डेटा या एड्रेस लोड हो जाता है। देखो आरडी बार और डब्ल्यू आर बार के केस में केवल आप तभी उसको लो करते थे जब डेटा बस पे डेटा आता था,
एड्रेस के टाइम में हम आर डी बार और डब्ल्यू आर बार को नहीं छेड़ते थे, पर एस नॉट और एस वन की वैल्यू को हम कहाँ से दिखाएंगे, जब से एड्रेस भी रीड होना चालू हुआ उस सब ऑपरेशन से रिलेटेड। बात समझ आ गई या नहीं आई? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा ये अगला। अब हमारी जो पिन है वो नॉर्मली है IO/M bar, IO/M bar है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने एस नॉट और एस वन पढ़ लिया, अब हम IO/M bar को नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।